अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। हम लोग मटन बिरयानी बहुत बार बना चुके हैं, लेकिन इसी रमज़ान के मौके पर आज स्पेशली लेयर्ड मटन बिरयानी बना के दिखाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए अच्छी तरह वॉश करा हुआ मीट इसमें ऐड करेंगे। इसी मीट में मैरिनेशन के प्रोसेस के लिए पहले हम लोग जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। हर पीस में अच्छी तरह स्पाइसीनेस ऐड करने के लिए इसी में हम लोग मैरिनेशन के वक्त ही ग्रीन चिल्ली पेस्ट ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग टर्मरिक पाउडर के साथ साथ रेड चिल्ली पाउडर और सॉल्ट भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में थोड़े स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। गरम मसाला के साथ साथ शाही बिरयानी मसाला भी ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ जो पहले ही हम लोग प्रिपेयर करके रखे थे ब्राउन आनियंस, उसको भी इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा क्रश करते हुए ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह ग्रेवी फॉर्म हो सके। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कर्ड। नेक्स्ट इसी में हम लोग थोड़ा सा हरा मसाला भी ऐड करेंगे, फाइनली चॉप्ड मिंट लीव्स। मिंट लीव्स के साथ साथ इसी में हम लोग फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर भी ऐड करेंगे। बिरयानी पीसेस को और भी मज़ेदार करने के लिए इसी में हम लोग थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करे बाद जो ब्राउन आनियंस प्रिपेयर करने के लिए जो ऑयल यूज़ करे थे उसी ऑयल को इसमें यूज़ करेंगे ताकि और भी मज़ेदार हो। अच्छी तरह मिक्स करे बाद हाफ एन आवर तक मैरिनेशन के लिए रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। Thank you.
राइस के लिए वाटर बॉयल हो रहा है, एक तरफ हम लोग मीट को हाफ बॉयल करेंगे जो पहले ही हम लोग मैरिनेट करके रखे थे, उसी प्रोसेस के लिए पहले इसमें हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के साथ साथ इसी में हम लोग थोड़ा सा प्योर घी भी ऐड करेंगे। घी और ऑयल गर्म होते ही इसी में हम लोग थोड़े से रॉ स्पाइसेस ऐड करेंगे, सिनेमन, कार्डमम, क्लोव्स और बेली। रॉ स्पाइसेस ऐड करते ही इमीडिएटली हम लोग इसमें जो पहले ही मैरिनेट करके रखे थे मीट, वो मटन को इसमें ऐड करेंगे। आज हम लोग मटन बिरयानी एक अलग अंदाज में बनाए थे, लेकिन जब हम लोग दम रखने की कोशिश कर रहे थे तभी बारिश शुरू हो गई थी अचानक, और मौसम भी बहुत ठंडा हो गया है। लेकिन इसी ठंडे मौसम में आज की बिरयानी माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया रहेगा। मुंह में पानी आ रहा है, बोल भी नहीं सक रहा हूँ, लेकिन इफ्तार भी हो गया है, पेट भर खाएँगे। लेकिन बच्चों को पेट भर इस बिरयानी खिलाए बाद हम लोग खाएँगे। चलिए,
आज का वीडियो देखते ही अपने घर पे भी कोशिश करिए और रमज़ान का इफ्तार और भी मज़ेदार करिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।